दहाई खराब। मरीजों को लेटने के लिए जो बेड दिया गया, इसको देखते ही तंदुरुस्त आदमी भी बीमार हो जाए। आइए देखते हैं मोहम्मद नदीम की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त मरकज सेहत गुलपुर में मौजूद हैं। आज आपको BHU की अंदरूनी हालत दिखाते हैं, जिसमें मरीज को लिटाने वाले बेड को देखने के बाद ये महसूस होगा कि हम किसी मरकज सेहत में नहीं बल्कि किसी बीमारी फैलाने वाले मरकज में मौजूद हैं। बेड की हालत इंतहाई गंदी, जिसकी हालत को देखकर तंदुरुस्त इंसान भी बीमार हो जाएगा। ऐसे बेड पर मरीज को ट्रीटमेंट दी जाती है, जो मरीज के साथ जुल्म है। बेड के साथ साइड पर पड़े वाटर कूलर की हालत भी काबिले गौर है। वाटर कूलर जो आने वाले लोगों को दीदार के लिए रखा गया है, वाटर कूलर के बैक साइड से पानी के पैप उतरे हुए हैं। BHU में पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। यूनियन काउंसिल त्रोची से किसी भी इलाके से शाम के बाद मामूली बीमार को भी कोढ़ी ले जाना पड़ता है। BHU में अद्वियात का भी सख्त फकदान पाया जाता है। अवाम इलाका ने DHO कोटली और वज़ीर सेहत से अपील की है कि वह BHU में बुनियादी सहूलियात मुहैया करें, ताकि लोग इससे मुस्तफ़िदा हो सकें। कैमरा मैन टीम के साथ तासीर रिपोर्टर मोहम्मद नदीम, पेरिस न्यूज़, गुलपुर आज़ाद कश्मीर।